ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ बिहार विधानसभा चोणां दे लई कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची स्टार प्रचारकों दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं नहीं मिली थां बरनाला च किसान मीटिंग दा फैसला जारी रहेगा किसानां दे वलों रेल रोको अंदोलन भगवंत मान ने एक बार फिर तो घेरी कैप्टन सरकार भाजपा दे नाल मिली भुगत दे लगाए इल्जाम बुधवार नूं होवेगी पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग अहम फैसले नूं मिल सकती है मीटिंग दे विच मंजूरी नवे खेती कानूनां नूं लैके मनीष तिवाड़ी ने घेरिया अकाली दल कहा जदों ऑर्डिनेंस लियांदे गए उदों विरोध क्यों ना कीता ते हुण खबरां विस्तार दे नाल बिहार विधानसभा चोणां 2020 नूं लैके सियासी मैदान की तैयारी दे लई स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस दे वलों जारी कर दित्ती गई है कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है इस दे विच सोनिया गांधी मनमोहन सिंह राहुल गांधी स्टार प्रचारक होणगे इस तों इलावा गुलाम नबी आजाद प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह अते रणदीप सुरजेवाला नूं वी थां दित्ती गई है दस्सिए कि इस स्टार प्रचारकों की सूची दे विच नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं किया गया दस दिए कि बिहार विधानसभा चोणां 2020 दे विच वड्डी जित हासिल करन दे लई कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बिहार चोणां दे विच राष्ट्रीय जनता दल अते खब्बे पक्षी दलों दे नाल तालमेल करके कांग्रेस 70 सीटां ते चोण लड़ेगी जिक्रयोग है कि कोरोना दौरान चोण कमीशन ने 24 सितंबर नूं बिहार विधानसभा चोणां दी तारीखां दा ऐलान कर दिता तीन पड़ावां दे विच कुल 243 सीटां ते वोटिंग होवेगी खास गल ये कि वोटिंग दा समां इस वार 1 घंटे दे लई वधाया गया इस वेले 7 बजे तों लैके शाम नूं 6 बजे तक होवेगा यह बदलाव नक्सल प्रभाव खेतरां दे विच नहीं होवेगा खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष तहत पंजाब दीआं 30 किसान जथेबंदियां दी हंगामी मीटिंग बरनाला दे तर्कशील भवन विखे हुई पर इस मीटिंग दे विच कोई भी नतीजा नहीं निकलिया ते हुण अगली मीटिंग 13 अक्तूबर दी रखी गई है पर उदों तक किसानां दे वलों रेल रोको अंदोलन जारी रहेगा इस मीटिंग दे विच रेल रोको अंदोलन बिजली संकट अते अगले संघर्षां संबंधी चर्चा हुई मीटिंग दे विच किसान आगुआं दे वलों बिजली संकट डीएपी अते यूरिया दे तौर बारे चर्चा कीती गई है ते कहा कि अजे बिजली संकट पैदा नहीं होया सारे ही थर्मलां दे कोल कोला पिया है अजे तक सरकार थर्मल नूं मौजूदा कोले दे नाल चला सकती है उन्हां कहा कि पंजाब दीआं रेलवे लाइनां टोल प्लाजा अते कारपोरेट अदारियां अगे पक्के मोर्चे जारी रहणगे इस मीटिंग दे विच कुछ जथेबंदियां दे शामिल ना होण कारण सारे मसलियां ते फैसला 13 अक्तूबर नूं लिया जाएगा जबकि सूबा सरकार ते विधानसभा इजलास ना बुलाए जाण बारे अगला संघर्ष दा फैसला 15 अक्तूबर दी मीटिंग दे विच कीता जाएगा उधर नवे खेती कानून दे मुद्दे नूं लैके संगरूर तो सांसद मैंबर भगवंत मान ने एक बार फिर तो पंजाब सरकार नूं घेरिया ते नाल ही अकाली भाजपा दे नाल मिली भुगत दे वी इल्जाम लगाए ने ते होर की कुछ कहा है वेखो इस रिपोर्ट दे विच ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਬੈਠੇ ਆ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ
एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, ये राज्यों का विषय कर सकते हो जो कोई भी स्टेट जी है कि असी इन बिलों साढ़े स्टेट पर माड़ा प्रभाव पैदा असं रद्द कर दिए क्यों नहीं करते ये कैप्टन साहब को पता लग जूगा अगले दिन बीजेपी अकाली टुट गई है लेकिन अब एक बयान आया सोम प्रकाश का भी अभी 2022 कहीं लड़ेंगे बस ये भी कहा भी अगर कोई पार्टी आना चाहे आती जिसमें लिखता कि भी जो असं अकाली दल भी कहने भी आना चाहे तो आ सकते साढ़े देखो जी आप सारे रले हुए ने दो महीने लिए किसी किधरे भेज देंगे तू उधर जाया बाद च इन्हों का संघर्ष जो खत्म हो गया तेन फिर वापस ले लेंगे आपस रिश्तेदारियां ने सब मिले हुए लोगों हूँ पता लग गया अंदरों साइन करके आए हैं बाहर विरोध करी जाते हैं सो हूँ तो बीजेपी ने भी कहता भी कितने विरोध किया दसो वो ये कहें मैं इतने 5 जून कैबिनेट हरसिमरत कौर कहते मैं विरोध किया नहीं किया जे विरोध किया हों बाहर आके दसते जो विरोध किया हों बाहर आके गुण क्यों गाई गए 2.5 महीने उस बिल के सो सब एको जे ने तो दिल्ली हूँ थैलियों बाहर आ गई हूँ लोगों को पता लग गया इस करके लोग जो जाते हैं कि देखो गल ये तुम जो जेड़े बिल का विरोध हो रहा लोग सड़क पर ने तो कल बीजेपी तो नहीं इंटेलीजेंट ना जो किसान जथेबंदियां बैठी ने उन्होंने दिमाग नहीं है एवं रौला पाई जाते वो कोई फोटो खिचाने बैठे है फसल का टाइम है तो सड़कों पर बैठे है रेलवे ट्रैकों पर बैठे है वो कोई उत्थे टीवी से अपनी फोटो लिया वास्ते बैठे उन्होंने सामने नजर आ रहा है ना कि साडा ये हो के सारा कुछ साडा कारोबार साडा किता खेती का वो कोऑपरेटिव कराने लगे लेकिन इतों पहला भी मोदी जी ने कई बिल इदा लिया जिंदा पूंजीपति अज देखो एक मिनट तेल बेचता जी एयरपोर्ट बेचते बैंक बेचती BSNL किधर गया टावर उन्होंने ने चलता जियो है ठीक है जी इतों पहला इन्होंने इदा किया करोड़ा रुपया माफ किया पूंजीपतियों का ठीक है जी लखा हज़ार करोड़ रुपया किसानों का नहीं किया सो इस करके लोगों को यकीन ही नहीं रहा इन्हों पर सो ये बिल जिहड़े ने लोग विरोधी ने कल्ले किसान विरोधी नहीं लोग विरोधी ने अज बिहाला पिंड की पंचायत में साडी सारी पंचायत मैं इन्हों इस गल मुबारकबाद दूंगा कि इन्हें पार्टी पद्धर तो उपर उठ के इन्होंने अच्छ ग्राम सभा मता पाया तो इस मते को कंसिडर करना पवेगा सुप्रीम कोर्ट का देखो जी अस तो पोलिटिकल पार्टी है असी तो चाहते हैं कि धर्म जोड़ा उन्होंने धर्म के गुणी ज्ञानी लोग चला राजनीति राजनीति के जोड़े जानते हैं गुण उन्होंने वो चला एक ही करते उल्टा कर देंगे बाल साहब ने किया हो कि राजनीति धर्म च वाड़ रखे उत्थे देख लो हालात की हुए हैं अब श्रोमणी कमेटी के घपले सामने आ रहे हैं और जोड़ा श्रोमणी कमेटी का प्रधान है वो अकाली दल बादल की कोर कमेटी का मैंबर है MLA भी रहा धूरी तो उतो सो ये धर्म के नाते जोड़े वोटा वाला काम है ये असं विरोध करते हैं खंडन करते हैं तो लोगों भी बेनती करते हैं कि SGPC दुनाव आनगियां चंगे गुणी ज्ञानी जोड़े बंदे धर्म के नाते जानते हैं किताबा पढ़िया ने उन्होंने ज्ञान है उन्होंने बंद चुन के गुरुद्वारा साहब जी कमेटी है उन्होंने मैंबर पता की है ये असल च ना जो किसी मुद्दे तो ध्यान भटका हो इस तरह दल कर लेंगे ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दे तो भटक जाए पर लोग जोड़े ने वो इस वक्त इकट्ठे ने संघर्ष जोड़ा लोगों का संघर्ष बन चुके चाहे कलाकार ने चाहे कोई NGO है चाहे कोई छोटे छोटे बच्चे भी देखे जाते हैं झंडे चुकी कोई एक बंदे दे दोने बाहां है नहीं वो भी धरने च फिरदा सी सो ये जिन्हें भी पंजाब दे धरती दे अनाज की कबूरकी भी रोटी की खाधी है ज पानी पीता है उन्होंने इस इन्होंने बिलों का विरोध करना चाहिए देखो इस तरह की गलत सपोर्ट में असं कदम सपोर्ट नहीं करते लोगों के चुल्हे जोड़े ने उन्होंने बचाने की गल चल रही है जनाब आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं असं पोलीटिकल पार्टी लड़ ही नहीं सकती धर्म ये तो बादल के ने इधरले पास कानून हो रहा उधरले पास कानून हरेक पार्टी लेना चाहती है मतलब क्यों देख रहे हैं असं तो
ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਤਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੇ ਚਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ NGO ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਨਸਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MLA ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ MP ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਛਤਾਪ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਛਤਾਪ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 3 ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
क्योंकि प्राइवेट सैक्टर जो है उसमें स्लोडाउन आ गई है। तो जिन्हें भी सरकारी नौकरियां इस वेले जो पोस्टा खाली पई हैं ये जो जे मेरी याददाश्त गलत नहीं तो 60-70 हज़ार तो लैके लख जी सरकारी मुलाजमत है वो अगले 6-7 महीनों के पंजाब के बेटे तो बेटिया मैरिट पर असी तकसीम करनी है। एक तो यह फैसला है, दूसरा सीएम साहब ने यह भी ऐलान किया है कि जिहड़ा NFSA है नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिदे तहत कि पंजाब के लोगों नू सस्ते रेटा ते राशन मिलता है। शहरां दे विच पिंडां दे विच शिकायत भी बहुत दर्ज हो रही सी कि कई लोग ऐसे है जिन्हां दे राशन कार्ड अजे तक नहीं बने या जिहड़े डिजर्विंग है उन्हां दे राशन कार्ड कट्टे गए, क्योंकि सेंटर वल्लों एक हद है, एक सीलिंग है, अपर सीलिंग है कि इस तों वध राशन कार्ड बन नहीं सकते। सीएम साहब ने बुधवार को यह भी उन्होंने वैसे फैसला कर लिया है, कैबिनेट तो मंजूरी बकाया रह गई है कि जेड़े बकाया खानदान रह गए जिन्हों के राशन कार्ड नहीं बने तो वह सारियां दे राशन कार्ड वो बन जाएंगे और जेड़े पैसे है या उदी भरपाई है या उदा जेड़ा बजट है फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि वह पंजाब सरकार के बजट च आऊगा। और मैनू लगता है कोई 150-200 करोड़ का जो भी खर्चा होएगा कि पंजाब की सरजमीन से कोई इंसान भुखे ढिड ना सौवे ये सीएम साहब का कांग्रेस पार्टी का ये बुधवार को ऐलान हो जा रहा है। मैनू लगता है जथेबंदियां भी चिंतित होणगियां, गौरमेंट भी चिंतित है और तीन चार जी वजह है। एक तो यह है कि किसानों ने जो हाड़ी की फसल बीजनी है तो उस DAP ते यूरिया की जरूरत पेगी। इस वेले पंजाब के जेडे गोदाम है या स्टॉक है वो सिर्फ 10% यूरिया बची है। जे रेलों की आवाजाही जी ना चली तो मैनू लगता साड़ी हाड़ी की फसल लेट हो सकती है। दूसरी चिंता यह भी है कि कोला जेड़ा हुण पंजाब सिर्फ 3 दिन का बकाया रह गया तो जे 3 दिन तो बाद जे रेल गड्डियां ना चलियां तो पंजाब दे विच मैनू लगता है जेड़ा पावर कट्स जेड़े है पावर कट्स या शायद हो सकता है टोटल पावर शटडाउन ना हो जाए और जिहड़ी रौनी है कणक दी रौनी है शायद वह भी फिर देर हो जाएगी। तीसरा फिक्र यह भी है कि जिहड़ी साडी फौज 2.5 लाख दी लद्दाख बैठी है जिहड़े बच्चे असी पहाड़ां ते उत्थे बर्फां च भेजे हुए है उन्हां दी रस्त जिहड़ी है ते उन्हां दा तेल है उन्हां दी अगले जे महीने दे विच क्योंकि स्टॉकिंग हुंदी है क्योंकि अगले 6 महीने उत्थे बर्फ इन्नी पै जाणी कि फिर उत्थे रस्त पहुँच नहीं सकूगी। फिक्र इस गल का कि बच्चे तो बार्डर पर भेजते तो बच्चों वास्ते असी कोई रस्त नहीं भेजी उन्हां वास्ते गोली सिक्का नहीं भेजा उन्हां लई कोई डीजल पेट्रोल नहीं भेजा तो निहत्ते बच्चों फिर असी उत्थे किवें लड़ावांगे। सो जे रेलां ना चलियां तो फिक्र इस गल का भी है और फाइनल फिक्र इस गल का भी है कि रोज़ दियां पंजाब चों जिहड़ा पंजाब का कणक ते झोना जिहड़ा गोदामां च पिया 50 रेलगड्डियां वो जो फूड ग्रेन है उन्होंने इवैक्यूएट करने वास्ते लगिया हुई सी ते पिछले दिनों 50 की जगह सिर्फ 3 गड्डियां हुण बाहर निकल रही हैं ते जे ये अपना अनाज भी इत्थों बाहर ना निकलिया फिर भी मुश्किल पै जाएगी। मैनू सरकार नूं इस गल की चिंता है और मैनू लगता है जितों तक मैनू पता चले कि किसान जथेबंदियों नूं भी इस गल की चिंता है। अज बठिंडे शहर च खड़े हैं, अगे दशहरा है 15-20 दिनों फिर दिवाली ने आ जाना है। तो हुण वड्डी खबर मोगा तो मोगा दा सिविल हस्पताल उस वेले दुबारा फिर तो सुर्खियां दे विच आ गया जदों एक गर्भवती औरत ने हस्पताल दी पार्किंग फर्श दे उत्ते एक बच्ची नूं जन्म दे दिता। गर्भवती नूं डिलीवरी दे लई जदों मोगा दे सिविल हस्पताल लियांदा गया तां डॉक्टरां ने खून दी कमी अते सजेरियन दी गल आ के उस नूं फरीदकोट रैफर कर दिता जिस तों थोड़ी देर बाद ही औरत ने पार्किंग दे फर्श दे उत्ते एक बच्ची नूं जन्म दे दिता। परिवार ने दोष लगाए ने कि गर्भवती महिला की हस्पताल प्रशासन वालों किसी भी तरह की देखभाल नहीं की गई तो डॉक्टर ने खून की घाट की गल करद हो फरीदकोट रैफर कर दिता। उसके बच्चा होने वाला था तो फिर उसने डॉक्टर 5:30 बजे आए थे ना 5:03 पे तो उसने डॉक्टर ने एक लेडीज से लिखा के वो अंगूठा लगवा लिया तो उसने कहा फरीदकोट जाओ ना तो इतने बड़ा ऑपरेशन दसिया इन्होंने तो ना तो इतने एम्बूलेंस करा कर दी ना कुछ भी करा कर दी भाई इतने असी इतने बैठ गए घूम काम के इतने फिर इतने ही हो बच्चा उदा ना गाड़ी आई ना कोई ना बाद डॉक्टर भी नहीं आए जब बच्चा बाद में भी कोई नहीं आए जो बच्चा हो गया ना इतने
जो भी कोई नहीं आए ना डॉक्टर ना डॉक्टर नहीं पार्किंग जो है बच्चा हां जी पार्किंग जगह होया किथे लगे बाद च फिर तो फिर तो उठे लेके गए इथे चक के इथे कौन लेके गए जदों पूरा असली लेके गए किथे लेके गए असली लेके गए सी हुन किथे है हुन उठे है फ्लोर च अंदर ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਭੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸਕੇ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਖੂਨ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕੋ ਸਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾ ਪੇਟ ਮੇ ਦਰਦ ਥਾ ਤੋ ਸਰ ਹਮ ਕੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋ ਮਿਲੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰ ਹਮ ਜਰ ਸਰ ਜਬ ਸਰ ਹਮ ਲੋਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੋ ਸਰ ਨਾ ਹੀ ਤੋ ਰਾਤ ਕਾ ਸਟਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਸ ना कोई फोर्थ क्लास का कर्मचारी हमें सर कोई सुविधा नहीं ली और हमारी हमने अपनी बेटी को जब काफ़ी दिक्कत हुई वो बच्चा जहाँ फ्लोर के ऊपर जहाँ स्थिति चाहे हम खड़े हुए हैं सर जब कुत्तों ने खून पिया तो मैं स्ट्रेचर एमरजेंसी स्ट्रेचर निकाल के लाया और पब्लिक ने साथ दिया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं तो सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है दलितों के लिए बेटियों के लिए कोई यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी हालत उधर अस्पताल के डॉक्टर ने औरत के परिवारक मैंबरों के वालों लगाए गए दोषों सिरे तो खारज किया है। देखो साढ़े को सुबह 5:15 अंकिता नाम की पेशेंट आई है एंबूलेंस से फर्स्ट बेबी से 19 साल की सी जलालाबाद की रहने वाली सी ठीक है पेशेंट एग्जामिन होया पेशेंट बहुत हाई रिस्क केस सीगा उदा खून सिर्फ 6 ग्राम सीगा ते वो लेबर च सी ठीक है इन्ना रिस्की पेशेंट दियां बहुत कॉम्प्लीकेशनस होंदियां ने पोस्ट डिलीवरी ठीक है असी पेशेंट नूं फरीदकोट जाने लई कहा सी जो कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है वड्डा ठीक है बट पेशेंट कहिंदा पहला पेशेंट मान गया कि ठीक है असी चल जाने इन्ने असी पेशेंट नूं नाल दे रूम च बिठाया जिथे दूसरे पेशेंट्स हुंदे ने कि एंबूलेंस आ रही है तुसी वेट करो नाल ही साडे कोल इक होर पेशेंट आ गया फुल डायलिटेशन ते स्टाफ सारा बिजी हो गया उहदी डिलीवरी कंडक्ट करन च ठीक है दैन पेशेंट सानूं कहिंदा कि असी फरीदकोट नहीं जावांगे असी प्राइवेट ही जावांगे ठीक है तो जिस चीज़ के बकायदा पेशेंट आपके साइन दिते हुए ने उपर कि असी फरीदकोट नहीं जाना असी प्राइवेट जावे साइन दे के पेशेंट बिना किसी इनफॉर्म किए अपने आप चला गया उतो मैम उन्होंने कहना है कि धक्के थम इंप्रैशन लगाए गए हैं नहीं नहीं धक्के कुछ नहीं लगवाया जाता देखो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होंगी है कल पेशेंट तुम कह पेशेंट कह रहे हैं कि कल पेशेंट साढ़े कुछ भी इल्जाम लगवा सकता सी ना जे पेशेंट ने आपके मूहों कोई गल कही है सानू डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए है ना अजकल बिना डॉक्यूमेंटेशन तो कोई यकीन तो करता नहीं मारकुट भी की गई है प्लीज मारकुट कौन करेगा इदा तो मैं कुछ कह दिनी हूँ तुम उ यकीन कर लो गे हाँ जी इदा तो जो पेशेंट कह रहे हैं कि पेशेंट ने मारकुट की है तो फिर मैं कुछ भी कह दिनी हूँ यकीन करोगे पहली गल मैं क्यों कोई गलत बयान देव ठीक है इट इज़ वेरी ईजी टू से कुछ पेशेंट बिल्कुल ठीक है फिलहाल ठीक है खबर ताज़ा तरीन फिलहाल के लिए इन्ना ही नवी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो स्काई न्यूज़ पंजाब।